जनपद की पनवासा ब्लॉक से समाजवादी पार्टी के ब्लॉक प्रमुख शोएब खान निर्विरोध निर्वाचित हुए थे, लेकिन भाजपा के नेता इस कुर्सी को पचा नहीं पा रहे थे और सरकार बदलते ही भाजपा के नेता सपा ब्लॉक प्रमुख के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की तैयारी करने लगे। इस तैयारी के तहत भाजपा के नेताओं ने सफलता हासिल कर गुन्नौर विधानसभा के भाजपा विधायक अजीत कुमार उर्फ राजू यादव के निर्देशन में कुल क्षेत्र पंचायत 105 में से 103 क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने जिला अधिकारी भूपेंद्र सिंह चौधरी के सामने सपा ब्लॉक प्रमुख के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया और नए क्षेत्र पंचायत सदस्य दिनेश कुमार को नए ब्लॉक प्रमुख के लिए अपनी इच्छा व्यक्त की और जिला अधिकारी से शीघ्र मीटिंग कराने के आदेश पारित कर नए ब्लॉक प्रमुख चयन की प्रक्रिया सुचारू करने की अपील की। जिला अधिकारी द्वारा शीघ्र ही आगे की कार्रवाई का भरोसा दिया गया। पर आए हैं जी, तो डीएम साहब से जब मिले हैं आप, तो किस मामले को लेकर के मिले? पमासा ब्लॉक के वो शोएब खान हुए हैं ब्लॉक प्रमुख, उनके खिलाफ अभियान लाने के लिए। अब 105 है पमासा में, अब 102 आए हैं हम यहाँ पर अविश्वास के लिए। तो डीएम साहब ने आगे क्या आश्वासन दिया? देखेंगे, करेंगे कार्रवाई। बहुत